हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग? होप आप सब ठीक हो। मैं रिसेंटली ही कश्मीर ट्रिप ले गई थी, सो वहाँ से मैंने कुछ शॉपिंग की है, वो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर करना चाहती थी। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये पहला सेट ऑफ जो शॉल्स है वो मैंने खरीदा था ऑन द वे टू पहलगाम। ये हमने उस जगह से खरीदा था जहाँ पे हमें विलो ट्री के बैग्स मिलते हैं, एंड मैंने ये वीडियो में भी डाला है। सो उस वहाँ के शॉप से मैंने 4 शॉल्स खरीदे थे, वो सेट पहले मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जो है बेसिकली इस नेवी ब्लू एंड कलर, एंड ये वुलन मटेरियल है, एंड दिस कॉस्टेड मी अराउंड 300 रुपीज़। ये मल्टी कलर्ड है एंड ये भी बहुत प्यारा सा शॉल है। एंड नेक्स्ट वाला है वो ब्लैक इन कलर है। ये थ्रेड वर्क भी बहुत एलिगेंट है एंड इसमें मल्टी कलर्ड फ्लावर्स बने हुए हैं। ये भी वुलन मटेरियल का है एंड इट कॉस्टेड मी 300 रुपीज़। ये कश्मीरी वर्क है ये सब, बट ये पश्मीना नहीं है, एज पश्मीना इज़ वेरी कॉस्टली, स्टार्ट्स अराउंड 20,000 एंड ऑल, एंड बट दीज शॉल्स आर वेरी अफोर्डेबल फॉर अस। सो ये वाइट कलर वाला है, वाइट कलर का जो वुलन मटेरियल का है, एंड ये काफ़ी सॉफ्ट है बट इट कीप्स यू वार्म। एंड मैंने इसके तो दो खरीद डाले थे, एक मेरे खुद के लिए एंड एक किसी को देने के लिए। एंड दिस वन इज ऑल्सो कश्मीरी वर्क एंड इट कॉस्टेड मी 300 रुपीज़। एंड नेक्स्ट वन आई वुड लाइक टू शो यू इज अ रेड कलर वन। अब ये जो रेड कलर वाला जो है ये काफ़ी ब्राइट है बट मुझे बहुत पसंद आया था, एंड इसका बॉर्डर मैं दिखाना चाहूँगी बिकॉज आई लाइक द बॉर्डर, एंड वैसे तो सिंपल है बट इट्स काइंड ऑफ ब्राइट एंड नाइस, इट लुक्स नाइस। एंड ये भी वुलन मटेरियल का है एंड ये 300 रुपीज़ का पड़ा था हमें। नेक्स्ट वन इज पिंक इन कलर। नाउ दिस वन हैज़ अ डिफरेंट वर्क, ये भी कश्मीरी वर्क है एज पर देम, एंड ये मुझे 400 रुपीज़ में पड़ा था। अब जितना बार्गेनिंग कर सकें, सो इट्स ऑल अप टू यू, वहाँ पे हर चीज़ में बार्गेनिंग चलती है। एंड ये मैंने वेस्टर्न्स के साथ कंबाइन किया था वहाँ पे, एंड पीपल रियली कॉम्प्लीमेंटेड मी फॉर दिस, सो आई लाइक दिस वन। सो ये जो थे ये शॉल्स मैंने एक्चुअली पहलगाँव जाते वक्त खरीदे थे। एंड नाउ नेक्स्ट वन आई वुड लाइक टू शो यू दैट सेट ऑफ शॉल्स विच आई गॉट फ्रॉम पहलगाँव इटसेल्फ। एंड वहाँ पे होटल में आए थे बंदे सेल करने के लिए, वहाँ पे टूरिस्ट प्लेस पे हर जगह आपको शॉल बेचने वाले मिल जाएंगे, एंड दे जनरली हैव अ वेरी नाइस कलेक्शन। सो ये वाला जो शॉल है इस पर बहुत हैवी वर्क किया गया है, एंड दिस शॉल कॉस्टेड मी अराउंड 600 रुपीज़। ये भी वुलन शॉल है, ये काफ़ी बड़ा सा है एंड हैज लॉट ऑफ वर्क, एंड एज पर देम दिस वॉज अ रिवर्सिबल शॉल। नाउ नेक्स्ट वन इज अ वुलन वन। अब ये वाला काफ़ी सॉफ्ट सा है एंड अ वेरी नाइस वन। मैंने इसको वहाँ पे बॉनफायर के वक्त पहना था एंड इट केप्ट मी वार्म। ये वाला बहुत अच्छा सा है। नाउ अब मैं अदर ये वाला मुझे एक्चुअली 400 रुपीज़ का पड़ा था। नाउ नेक्स्ट सेट ऑफ शॉल्स विच आई वुड लाइक टू शो यू इज फ्रॉम सोनमार्ग। सोनमार्ग पे मुझे थोड़ा सा प्राइस ही पड़ा था क्योंकि हमने जस्ट बार्गेनिंग करना चालू किया था वहाँ पे। वहाँ से एक्चुअली पहली शॉल्स हमने वहीं से खरीदे थे सोनमार्ग से, बट वहाँ के शॉल्स बहुत ही सॉफ्ट हैं, उसका मटेरियल और भी बहुत प्यारा है। नाउ दिस वन इज़ अ वेरी एलिगेंट वर्क वन, एंड इस पर सेल्फ वर्क किया गया है। इफ आई एम नॉट श्योर अगर कैमरा कैप्चर कर पाएगा, बट इस पर सेल्फ वर्क है एंड इसका बॉर्डर भी बहुत ज़्यादा प्यारा है, ये बहुत एलिगेंट वाला है। नाउ नेक्स्ट वन, ये नेक्स्ट वाला जो शॉल है वो है ऑफ टू कलर्स, बाहर से मरून है एंड इनसाइड पार्ट इज ऑफ ब्राउन कलर, इनफैक्ट रादर कॉफ़ी कलर है, एंड इसका बॉर्डर बहुत प्यारा सा है, इसके बॉर्डर में बहुत ज़्यादा काम है। इनफैक्ट इस आउटसाइड से क्रीम कलर लगता है, इनसाइड इज़ मोर लाइक अ ग्रीनिश ब्लू कलर, एंड ये हमें 1,000 रुपीज़ में पड़ा था। नेक्स्ट वन इज ऑफ ब्लैक कलर, एंड ये जो ब्लैक वाला है इस पर अगेन सेल्फ वर्क है एंड इसका बॉर्डर ही मेनली इज द वन विच मेक्स इट मोर एलिगेंट। ये सेल्फ वर्क में फ्लावर्स बने हुए हैं एंड बॉर्डर
तो ब्लूइश रेडिश कलर, मल्टी कलर्ड है एंड इनसाइड इज मोर ऑफ अ सटल कलर। ये भी मुझे 1000 रुपीज़ में पड़ा था। नेक्स्ट वन जो है वो काफ़ी सटल है बट इस पर बहुत काम किया गया है, मुझे बहुत प्यारा लगा। ये सोबर कलर्स हैं, पिंक एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन है, इसे काम काफ़ी है एंड दिस कॉस्टेड मी अराउंड 1000 रुपीज़। ये भी काफ़ी सॉफ्ट है एंड कीप्स यू वार्म, इट्स काइंड ऑफ नाइस। पीछे तो थ्रेड वर्क किया गया है। नाउ नेक्स्ट थिंग, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट्स जो हमने खरीदे थे दैट वाज फ्रॉम द सैफ्रॉन टाउन पैम्पोरे एंड पैम्पोरे इज अ प्लेस वेयर वो सैफ्रॉन की फार्मिंग करते हैं। वहाँ पे आपको जेन्युइन प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, हमें हमारे टैक्सी वाले ने भी बताया था एंड हर किसी ने वही सजेस्ट किया कि यू बेटर गो टू सैफ्रॉन टाउन एंड वहीं से ही आप सैफ्रॉन एंड अदर ड्राई फ्रूट्स खरीदें। तो मैंने जब हम पहलगांव जा रहे थे तो उस वक्त एक स्टॉप ओवर था, वो भी वीडियो मैंने डाला हुआ है, इफ़ यू गाइस आर इंटरेस्टेड डू हैव अ लुक। एंड ये जो हमने शॉप से खरीदा था दैट इज़ रियल सैफ्रॉन हब, इस शॉप से खरीदा था हमने। 1 kg का अक्रोट खरीदा है वहाँ से, दिस कॉस्टेड मी अराउंड 1000 रुपीज़। आपको ऐसे 300 रुपीज़ में भी मिल जाएंगे जो ओपन में बेचते हैं, बट बी अवेयर वहाँ पहलगाम में जो बेचते हैं वहाँ पे बीच बीच में थोड़ा सा ओल्ड स्टफ़ भी मिक्स कर देते हैं, सो इट्स बेटर टू बाई इट फ्रॉम सच शॉप्स। नाउ नेक्स्ट वन था हमने सैफ्रॉन खरीदा एंड सैफ्रॉन जो हमने खरीदा दैट वाज लाइक ऑफ दीज आर ऑफ 1 ग्राम, 1 ग्राम का जो है वो 250 रुपीज़ में मिलता है एंड वी टुक अराउंड 5 एंड उन्होंने हमें बोला कि अगर आप लोग जनरली सैफ्रॉन यूज़ करते हैं तो आप हमें ऑर्डर दे सकते हैं। मैं उनका कार्ड फ्लैश कर देती हूँ इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड। सो वो 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं पर डिलीवरी, वो इंडिया में कहीं भी होम डिलीवरी करते हैं। So these this was about the saffron and next product जो खरीदा था that was cherries and cranberries and किसमिस हमने खरीदा था and yeah this was all these things we got from that shop, these dry fruits and cranberry किसमिस, तो ये सब हमने वहाँ उस शॉप से खरीदा था। नेक्स्ट वन विच आई वुड लाइक टू शो यू, बेसिकली हम लोग का एक स्टॉप ओवर था वाइल गोइंग टू पहलगांव, तो एप्पल ऑर्चार्ड पे स्टॉप ओवर था, उसकी वीडियो भी मैंने डाले हुए हैं, इफ़ इंटरेस्टेड डू हैव अ लुक। एंड उसमें वहाँ से हमने एप्पल सॉस एंड एप्पल चटनी खरीदा था एंड ये एप्पल चटनी तो काफ़ी स्पाइसी है, तो मुझे स्पाइसी स्टफ बहुत पसंद है, तो ये बहुत ही अच्छा है एंड इवन सॉस भी बहुत अच्छा था, तो आई थिंक इट्स वर्थ ट्राइंग दैट। हमने वहाँ से एप्पल जूस भी पिया था जो बहुत ही यमी था, बिकॉज एकदम प्योर एप्पल जूस दिया था उसने, वाटर बिल्कुल मिक्स नहीं किया था, तो हमें बहुत अच्छा लगा था। एंड ये तो हमने एप्पल ऑर्चर्ड से लिया। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं दिखाना चाहती थी दैट वाज अ शिकारा एंड ये शिकारा इज मेड आउट ऑफ अक्रोट वुड, ये मुझे पड़ा था 250 रुपीज़ से एंड ये मैंने चंदनवारी के स्टॉल्स से खरीदा था। दिस इज़ वेरी नाइस एंड स्टडी। नेक्स्ट जो शिकारा है वो है रेड इन कलर, दिस इज़ वेरी क्यूट वन, ये मैंने एम्पोरियम से ख़रीदा था, स्टार्टिंग ऑफ द ट्रिप इटसेल्फ आई गॉट इट, ये भी मुझे बहुत क्यूट लगा था। एंड सो वन लास्ट थिंग, अब लास्ट थिंग वॉज द स्वेट बैग, अब ये मैंने सोनमार्ग से ही ख़रीदा था, ये थोड़ा सा प्राइसी है बिकॉज इट्स 600 रुपीज़ एंड इसका काम इतना ही है एंड ये आप पे है कि आप कितना बार्गेन कर पाएँ, बट इट इज़ नाइस नाइस एंड सटल एंड ये छोटा सा वॉलेट है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई कश्मीर शॉपिंग, होप यू ऑल्सो एन्जॉयड इट एज मच एज आई लव्ड शॉपिंग इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।